बच्चों, अब हम यह देखने जा रहे हैं कि क्या होगा अगर एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ कनेक्ट किया जाए किसी रेजिस्टेंस के साथ। जी हाँ, हम देखना चाहते हैं कि रेजिस्टेंस को जब किसी अल्टरनेटिंग ईएमएफ के साथ कनेक्ट किया जाएगा और सर्किट में जो करंट प्रोड्यूस होगा उस करंट का नेचर कैसा होगा। चलिए सबसे पहले हम ओवरऑल सर्किट को समझते हैं, एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, फिर मैं आपको और एलोबरेटिव वे में से समझाऊंगा। आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने एक रजिस्टर कैपिटल आर को कनेक्ट किया है एक अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ। यह अल्टरनेटिंग सोर्स का जो ईएमएफ है वह है E=E0 sin ωt। डेफिनेटली E0 यहां पर पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंट कर रहा है, ईएमएफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, स्मॉल टी यहां पर इंस्टेंटेनियस टाइम है। बेटे जैसे ही ये सर्किट कनेक्ट किया जाएगा, सर्किट के कनेक्ट होते से ही इस सर्किट के अंदर एक करंट आई ट्रेवल करेगा। डेफिनेटली करंट के ट्रेवल होने की वजह से करंट जब इस सर्किट में चलेगा तो रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा और डेफिनेटली उस पोटेंशियल के ड्रॉप को उस रजिस्टर पे देखा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ E=IR। ठीक है, आई रिपीट, E=IR। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई बिलीव आप इसे ओम्स लॉ में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। बच्चों अगर स्पेसिफिकली मैं आपसे बात करूं करंट की, तो अगर E=IR हम लिख रहे हैं, जहां पर E आपका ईएमएफ है, I आपका करंट है और R उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस है, तो यहां से I की वैल्यू आ सकती है E अपॉन R। E की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं E0 sin ωt, क्योंकि यही हमारा इनपुट था। ठीक है, तो अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या आ चुका है, I=E0 sin ωt/R। अब बच्चों आप इस चीज को थोड़ा सा लॉजिकली समझने की कोशिश करिए। साइन ओमेगा टी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास लिखा हुआ है आई, इस तरफ लिखा हुआ है ई नॉट और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है आर। जैसा कि साइन ओमेगा टी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और लेफ्ट हैंड पे करंट लिखा है, दैट मींस ई नॉट अपॉन आर भी एक करंट रिप्रेजेंट करेगा अगर हम डायमेंशन के टर्म्स में बात करें तो। हम यहां पर बोल सकते हैं कि E नॉट बाय आर भी एक तरीके से करंट को रिप्रेजेंट करेगा। E नॉट पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है और अगर E नॉट पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, तो जब पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ को आप डिवाइड करेंगे रेजिस्टेंस से, तो जो करंट आपको मिलेगा वो पीक करंट होगा। दैट मींस E नॉट बाय कैपिटल आर को हम लिख सकते हैं आई नॉट, तो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा I=I0 sin ωt। आप देख सकते हैं यहां पर कि जो इनपुट हमने लगाया था वो E=E0 sin ωt थी, वहीं पर जो आपको आउटपुट में करंट मिला है उसका एक्सप्रेशन भी ठीक ईएमएफ की ही तरह आ रहा है I=I0 sin ωt। मतलब अगर आप ईएमएफ में देखें तो वो ओमेगा टी के टर्म्स में ट्रेवल आउट कर रहा था, करंट भी ओमेगा टी के टर्म्स में ट्रेवल कर रहा है। दैट मींस इस केस में जहां पर एक अल्टरनेटिंग सोर्स को हमने रजिस्टर के अक्रॉस लगाया, करंट और ईएमएफ साथ में ट्रेवल करेंगे। आप इन दोनों का एक साइनसोइडल ग्राफ देखिए, आप देख सकते हैं कि जिस फेज में आपका वोल्टेज ट्रेवल कर रहा है उसी फेज में करंट भी वोल्टेज के साथ साथ ट्रेवल कर रहा है। जब वोल्टेज जीरो है, जब ईएमएफ जीरो है, तो आपका करंट भी जीरो है। जब आपका ईएमएफ पीक पर है, करंट भी पीक पर है। जब ईएमएफ डायरेक्शन बदल रहा है, करंट भी डायरेक्शन बदल रहा है। और यहां पर हम यह बोल सकते हैं कि जब ऑल्टरनेटिंग सोर्स को रजिस्टर के अक्रॉस लगाया जाता है तो ईएमएफ और करंट साथ में ट्रेवल करते हैं, उनमें जीरो फेज डिफरेंस होता है। आप यहां पर एक चीज नोट कर सकते हैं कि मैंने पीक वैल्यू ऑफ करंट, देखिए साइनसोइडल ग्राफ को ध्यान से, साइनसोइडल ग्राफ में आप देख सकते हैं कि करंट वाला जो ग्राफ है वो थोड़ा छोटा बनाया गया है एम्पलीट्यूड के टर्म्स में। क्यों? क्योंकि करंट की वैल्यू वोल्टेज अपॉन यहां पर रजिस्टर दी गई है, और जब वोल्टेज को आप किसी चीज से डिवाइड कर देंगे तो डेफिनेटली करंट की वैल्यू वोल्टेज से छोटी आएगी। इसीलिए पीक वैल्यू ऑफ करंट पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ से छोटी दिखाई गई है। अगर मैं आपको इसका एक फेजर डायग्राम बताऊं,
फेजर डायग्राम में हम स्पेसिफिकली टाइम के साथ कंपेयर करने वाले हैं उस फिजिकल क्वांटिटी को। सबसे पहले अगर मैं वोल्टेज को देखूं तो वोल्टेज कैसे चल रहा है, वोल्टेज चल रहा है विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा टी। तो ओमेगा टी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर हमने यहां पर वोल्टेज बना दिया। एक्स एक्सिस पर मैं डेफिनेटली टाइम ले रहा हूं और वाई एक्सिस पे एक बार स्पेसिफिकली मैं वोल्टेज लेने वाला हूं, एक बार मैं करंट लेने वाला हूं। वोल्टेज को अगर लेता हूं तो ओमेगा टी पर आपका वोल्टेज, आपका ईएमएफ चल रहा है। वहीं पर अगर मैं करंट को देखूं तो बच्चों हमने क्या देखा कि करंट भी तो वोल्टेज के साथ चल रहा है, और अगर करंट भी वोल्टेज के साथ चल रहा है तो करंट भी इसी लाइन पर आएगा। लेकिन जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया, पीक वैल्यू ऑफ करंट पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ से थोड़ी छोटी होगी, तो ये थोड़ा छोटा वेक्टर होगा एज कंपेयर टू द वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द ईएमएफ। एक अच्छी चीज ये है, दोनों ही ओमेगा टी एंगल पर है विद टाइम एक्सिस। सो हम यहां पर यह बोल सकते हैं कि जब किसी रजिस्टर को किसी सोर्स ऑफ ईएमएफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ के अक्रॉस लगाया जाता है तो करंट और ईएमएफ साथ में ट्रेवल करते हैं, उनके बीच में किसी भी तरह का कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। टाइम फॉर द क्वेश्चन बच्चों आपको यह बताना है कि इफ अ रजिस्टर इज प्लेस्ड अक्रॉस अ साइनसोइडल सोर्स, हम एक एसी सोर्स के अक्रॉस अगर एक रजिस्टर को प्लेस कर देते हैं तो जो अप्लाइड आपका वोल्टेज है वो और जो करंट प्रोड्यूस हुआ है उनके बीच में क्या कोई फेज डिफरेंस होगा या वो सेम फेज में होंगे, बताइए। डिफरेंट फेज? नहीं बच्चों, गलत जवाब आप दे रहे हैं। आपको समझना होगा कि अगर किसी रजिस्टर के अक्रॉस कोई साइनसोइडल सोर्स कनेक्ट किया जाता है तो एक करंट जनरेट जो हो रहा है वो करंट और अप्लाइड जो वोल्टेज है वो सेम फेज में होंगे, यहां पर किसी भी तरह का फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। आप ध्यान से एक बार अगर फेजर डायग्राम को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपका अप्लाइड ईएमएफ ओमेगा टी फेज पर है और जो करंट प्रोड्यूस हुआ है वो भी ओमेगा टी फेज पर है, मतलब करंट और वोल्टेज सेम फेज में होंगे। सो मेक श्योर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से आए। टाइम फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन बड़ा होता है, पीक वैल्यू ऑफ करंट या पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, बताइए। पीक वैल्यू ऑफ करंट। नहीं बेटे, गलत जवाब आप दे रहे हैं। पीक वैल्यू ऑफ करंट कैसे बड़ा हो सकता है, आप याद करिए करंट का एक्सप्रेशन क्या होता है। यूजुअली अगर आप सिर्फ ओम्स लॉ में लगा लें तो करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अगर मैं पीक करंट की बात करूं तो पीक वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस या अपोजिशन के टर्म्स में हम बोल सकते हैं, मतलब वोल्टेज को किसी चीज से जब डिवाइड किया जा रहा है तो करंट आ रहा है, मतलब करंट वोल्टेज से छोटा होगा, तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज मस्ट बी ग्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपसे यह है कि बच्चों अगर किसी रजिस्टर को किसी साइनसोइडल सोर्स के अक्रॉस लगाया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके रेजिस्टेंस की वजह से करंट की वैल्यू वोल्टेज की वैल्यूज अलग अलग होगी। हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि करंट की पीक वैल्यू और वोल्टेज की जो पीक वैल्यू है क्या वो सेम टाइम पे आएंगी, बताइए। नो। नहीं बेटे, गलत जवाब आ रहा है आपका। कैसे गलत जवाब आ रहा है, आप इस चीज को समझिए। हमने अभी आपको समझाया कि आपका करंट जो प्रोड्यूस होता है रजिस्टर के अक्रॉस वो सेम फेज में होता है वोल्टेज के साथ, सेम फेज में होता है मतलब वो साथ में चलने वाले हैं। बस एक छोटी सी चीज क्या है कि करंट की वैल्यू कम होती है, करंट की वैल्यू कम होती है इसका मतलब पीक वैल्यू ऑफ करंट, लेकिन टाइम वाइज वो साथ में चलने वाले हैं, मतलब वो सेम टाइम पर राइज करेंगे, सेम टाइम पे फॉल करेंगे, सेम टाइम पे डायरेक्शन को चेंज करेंगे, तो करंट की और वोल्टेज की पीक वैल्यू सेम टाइम पे ऑकर होगी,